जैसे मैंने बताया था इसकी प्लांट बॉडी के अंदर क्या, प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट। इसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। जब इसको सेक्सुअली प्रोडक्शन करनी होती है तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। आगे चलेंगे इसकी लाइफ साइकिल में, मान लिया टेरिडोफाइट के केस में ही फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या बनाता है, स्पोर। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर, हैप्लोइड स्पोर। अब स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लोइड, और जो स्पोर है वो क्या है, हैप्लोइड। तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे जब किसी डिप्लोइड स्पोर से या सॉरी डिप्लोइड सेल से हैप्लोइड सेल बनती है तो वो सेल डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस। कौन सी सेल डिवीजन होती है, मियोसिस। लेकिन हम नाइन्थ के अकॉर्डिंग चलेंगे, या स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, विच ऑन जर्मिनेट, और स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, टू प्रोड्यूस स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। और इसके गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथेलेस। क्या बोलते हैं, प्रोथेलेस। प्रोथेलेस भी क्या होता है, ग्रीन और मल्टीसेलुलर। एंड फोटोसिंथेटिक भी होता है, एंड फोटोसिंथेटिक। अब प्रोथेलेस आगे चल के क्या बनाएगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, प्रोथेलेस आगे चल के क्या करेगा, प्रोड्यूस गैमेट्स, और गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। अब गैमेट्स क्या होंगे, सारे के सारे गैमेट हैप्लोइड होंगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे। गैमेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मतलब आता है, मतलब है मेल और फीमेल गैमेट जुड़ के क्या बनाएंगे, जायगोट। जब n प्लस एन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2n, एंड जायगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन प्रोड्यूस डिप्लोइड स्पोरोफाइट, डिप्लोइड स्पोरोफाइट। जायगोट एम्ब्रियो से होता है, दोबारा किसमें चल जाएगा, स्पोरोफाइट में, यानी कि जायगोट पहले किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किसमें बदलेगा, स्पोरोफाइट में। ये भी डिप्लोइड है, ये भी डिप्लोइड है, ये भी डिप्लोइड है, लेकिन जायगोट क्या होता है, यूनिसेलुलर। और ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं मल्टीसेलुलर। क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। एग्जांपल्स है जिनको टेरिडोफाइट में काउंट किया गया है,
डायोप्टरिस सिलेजिनेला प्लांट ग्रुप लाइकोपोडियम को और एक वेशेटम इन प्लांट ग्रुपों को या इन प्लांट्सों को शामिल किया गया इसके अंदर टेरिडोफाइट्स के अंदर। फोर्थ नंबर पे जो प्लांट ग्रुप प्लांट किंगडम में शामिल किया गया उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या थी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर लगाते हैं सीधा जिन प्लांट ग्रुपों को सॉरी जिन प्लांट्स को शामिल किया गया जिम्नोस्पर्म के अंदर उनकी खासियत क्या थी। इस प्लांट ग्रुप में जिसको इंक्लूड किया गया है वो नेक्स्ट शीट थी। इट इंक्लूड ऑल द नेक्स्ट शीट प्लांट मतलब ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें सीड के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती विदाउट कवरिंग विदाउट सीड कवर विदाउट सीड कवर उनको इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो ओव्यूल्स बनता है ओव्यूल्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है वो भी नेक्ट होता है। ओव्यूल इज आल्सो नेक्ट ओव्यूल भी क्या होता है नेक्ट होता है। बाय ओवरी वॉल नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल यानी कि ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी के अंदर मौजूद नहीं होते। ओव्यूल्स का नॉर्मली काम क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। इनमें एंडोस्पर्म मौजूद होता है बट हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होता है उसका काम क्या होता है वैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना एम्ब्रियो को क्या देना है न्यूट्रिशन देना और वो एंजियोस्पर्म के केस में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है जो पूरी तरह डेवलप होते हैं उनके केस में ये क्या होता है डिप्लोइड होता है जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या होता है हैप्लोइड होता है। वास्कुलर टिश्यू वास्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों क्या आते हैं प्रेजेंट। जाइलम एंड फ्लोएम पूरी तरह क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं बट नॉट फुली डेवलप मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरह डेवलप होते हैं क्योंकि वेसल एब्सेंट इन जाइलम टिश्यू वेसल जो है वो जाइलम टिश्यू का एक एलिमेंट है लेकिन जिम्नोस्पर्म के जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल मौजूद नहीं होती। अब आते हैं सेक्स ऑर्गन के ऊपर इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं
एंथिरिडिया किसके केस में, मेल के केस में, मेल के केस में सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, एंथिरिडिया और आर्किगोनिया किसके केस में, फीमेल के केस में। यानी कि आपके सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडिया एंड आर्गोगोनिया, जैसा टेरिडोफाइट के अंदर था, और वही मेल के केस में एंथ्रीडिया, फीमेल के केस में आर्गोगोनिया। टेरिडोफाइट की तरह इसकी भी प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इसकी प्लांट बॉडी भी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, जो कि क्या होते हैं, डिप्लॉइड। क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एग्जांपल क्या है, जिम्नोस्पर्म के अंदर किस प्लांट को काउंट किया गया है, पाइनस को, साइकस को, जिंक को एंड एफिड्रा। हाई क्लासिक के अंदर जिंक को क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल, मतलब ये करोड़ों साल पहले ही मौजूद था और आज भी मौजूद है। लास्ट प्लांट ग्रुप जो प्लांट किंगडम में शामिल किया गया है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, फ्लावर्स मौजूद होते हैं। तो करैक्टरिस्टिक फीचर्स लगाएंगे हम, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स, जो एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या खासियत है। एंजियोस्पर्म आर मोस्ट एडवांस, क्या होते हैं, एडवांस्ड प्लांट होते हैं। क्यों, बिकॉज फ्लावर प्रेजेंट, बिकॉज फ्लावर्स प्रेजेंट, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ओव्यूल्स आर कवर्ड। वहां पे ओव्यूल्स क्या थे, कवर्ड नहीं थे, यहां पे ओव्यूल्स क्या है, कवर्ड होते हैं। क्या होते हैं, और तीसरी खासियत, कंटेन ट्रू सीड। एंजियोस्पर्म के अंदर वास्तविक के बीज बनते हैं, बीज फॉर्मेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होती है। फ्लावर जो होते हैं इनका वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर लगाओ। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। वैसे देखें अगर फ्लावर को लगाए हम, या लिख देते फ्लावर, इसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, स्टैमन और कार्पल। स्टैमन जो होता है वो क्या होता है,
मेल पार्ट और कार्पल जो होता है वो क्या होता है, फीमेल पार्ट। कार्पल क्या होता है, फेल पार्ट। इसमें जो सीड मौजूद है इनसाइड फ्रूट, इनसाइड फ्रूट, फ्रूट फॉर्मेशन जो सबसे पहले होती है किसके अंदर होती है, एंजियोस्पर्म में। इससे पहले जितने भी प्लांट आए थे किसी के अंदर भी फ्रूट फॉर्मेशन नहीं थी। वस्कुलर टिश्यूज जो थे कौन कौन से बताए थे मैंने, जाइलम एंड फ्लोएम, वो क्या है, फुली डेवलप, फुली डेवलप। जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह डेवलप है, क्यों, वेसल इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन फ्लोएम, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट। यानी कि जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल, दोनों के अंदर क्या है, मौजूद है, क्या है, मौजूद है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं सीड के अंदर क्या होते हैं, कोटलेडन होते हैं। सीड के अंदर क्या होते हैं, कोटलेडन। कोटलेडन को क्या बोलते हैं, सीड लीव्स। या एम्ब्रियोनल लीव्स बोलते हैं, सीड लीव्स बोलते हैं। और कोटलेडन के हिसाब से प्लांट जो है एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, या तो होते हैं मोनोकोट या होते हैं डाइकोट। यानी कि एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलेडन, डाइकोट मतलब टू कोटिलेडन। मोनोकोट और डाइकोट को हायर क्लासेस के अंदर आप इलोबरेट करोगे और ज्यादा पढ़ोगे इनके बारे में। अब मोनोकोट का एग्जांपल है वीट राइस बनाना, और टू जो डाइकोटिलेडन है उसके एग्जांपल है मैंगो मस्टर्ड। मैंगो एंड मस्टर्ड,